अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी हमारी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को भी नाजुक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोग का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आप लोगों को भी रेसिपी विद नाज़िन एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चावलों की रेसिपी। चावल सब घर में बनते हैं, सब लोगों को बहुत पसंद होते हैं, और चाहे वो मुरग पुलाव हो चाहे वो गोश्त का पुलाव हो, सब उसको बहुत ही पसंद करते हैं। आज उसी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए कुकिंग विद नाज़िन में हम आप लोगों के साथ जो सी रेसिपी शेयर करें वो है मुगलाई चिकन पुलाव। मुगलाई चिकन पुलाव बनाने के लिए पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर तैयार करना है मसाला। मसाला तैयार कैसे करना है, हम लोगों ने सिंपली एक दो दिन साइज का प्याज दिया है, उसको मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है, घी के अंदर डाल दिया है और उसको हल्का सा कलर देना है, जैसे कि हम लोग मसाला तैयार करते हैं पुलाव का। लेकिन इसके अंदर स्पाइसी थोड़े ज़्यादा डलते हैं, ये थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो इसके लिए आप लोगों को हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। प्याज़ों को ब्राउन करते हैं और फिर आपको फर्दर रेसिपी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने जौन से मज़ेदार से मुगलाई चिकन पुलाव की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जौन से लिए हैं नमक के, 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरे का, 2 मैंने लिए हैं साबुत तेज़पत्तर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून दादरी मिर्च, और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ही मैंने जो सा लिया है वो गरम मसाला। ये स्पाइसी फुल ऑफ स्पाइसी जो सा चिकन पुलाव तैयार होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने मज़ीद और क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, किस तरह उसके फ्लेवर को दुबाला करना है, वो चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से हैं अभी हमारे फुली गोल्डन से नहीं हुए, थोड़े थोड़े इसके अंदर कसर है, लेकिन हल्के हल्के से जो से हैं ये कलर बदलना शुरू हो रहे हैं। तो इसी स्टेज पर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने चंद चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। उन चंद चीज़ों में से ये है बड़ी इलायची, दालचीनी है, लौंग है, ये हम लोगों ने, और काली मिर्च साबुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये है कि जो हमारे प्याज हो रहे होंगे प्याज भी साथ साथ हो जाएंगे, और ये सब तमाम तरह जो से स्पाइसीज है ना ये भी साथ इसके अंदर अपना टेस्ट डेवलप कर देंगे। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ तैयार करने का मौका मिल जाएगा और टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद और अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे, वो क्या डालेंगे आपको वेट करना होगा। तो मैं इसको 5 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ प्याज़ों का, और ये जो अरोमा है ताकि इन चीज़ों का भी इसके अंदर आ जाए, फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से इस तरह हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर रहे हैं टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है। अब अच्छा तो हम लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है तमाम चीज़ों की। तो व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया और माशाल्लाह पूरे किचन में इतनी मज़ेदार इन्हीं मसालों की खुशबू हो गई है। अब इनको मैंने 5 मिनट अच्छे से पानी का छींटा लगाकर भून लिया है, और अब मैं इसके अंदर वही स्पाइसी जो वीडियो के शुरू में दिखाए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डाल दिए हैं। और इनको भी अच्छे से हम लोगों ने जो है वो मिक्स कर लेना है और भून लेना है। इसके बाद हम लोगों ने कभी चिकन ऐड करने हैं। अगर आप लोगों ने मटन भी बनाना है तो सेम इसी प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करेंगे, जस्ट आप लोग इसके अंदर चिकन की जगह मटन डाल देंगे। चिकन भी बनाना है तब भी आप प्रोसीजर यही होगा, बाकी आप लोग चिकन या गोश्त जो भी आपने ऐड करना हो कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट भूनने के बाद फिर चिकन ऐड करके जितने आपके चावल उस हिसाब से इसके अंदर पानी डालकर 2 गुना चिकन को पकने के लिए रख दें, और फिर स्टिल आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ। 1 kg से जो सा ज़्यादा ही चिकन है इसको मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी हमारी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को भी नाजुक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आप लोग का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें जो सा चिकन हम लोगों ने भून लिया है, और घी भी जो सा आ गया, और माशाल्लाह खुशबू का क्या ही कहना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें मसाले ने घी छोड़ दिया। अब इस स्टेज पर हमने पानी के जितना पानी जितने चावल से 2 गुना डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के अब हमने इसको ढक के जब तक गोश्त नहीं करता तब तक पकाना है। पर जब हम लोगों ने इसके अंदर चावल भी डाल दिए हैं, ये देखें अब चावलों को जिस तरह हम लोगों ने ड्राई करके एक कनी रख के इसको हमने चावलों को दम लगा देना है। दम से पहले इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि आज की रेसिपी मरी मुगलाई चिकन पुलाव है, तो वो मैं आपको लास्ट पर दिखाऊँगी।
तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि एक कनी मतलब रह गई है। अब मैं इसको दम पर लगा रही, इससे पहले मैं इसके अंदर ही शामिल कर रही हूँ जर्दे का रंग। अगर आप लोग चाहें तो इसको पानी में हल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसको दम पे रखना है तो ये दम पे ही जौन सा है वो अपना रंग छोड़ देंगे और मुगलियाई चावल जौन से हमारे वो तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरह मैं इसको डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। मम्मा भी इसको इसी तरह डालते थे और कलर आ जाता था, तो अब इसको दम पे रख रही हूँ, फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें व्यूवर्स चावल हो गए बिल्कुल तैयार, तो अब इसको रिशोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स ये देखें हमारी आज की रेसिपी मुगलियाई जो सी चिकन पुलाव हो गया है तैयार। और आई होप व्यूवर्स कि आपको जो सी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस मज़ेदार से मुगलियाई चिकन पुलाव की रेसिपी को बना के ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।